कभी-कभी अनजाने में हमसे कोई ऐसी भूल हो जाती है, कोई ऐसी गलती हो जाती है, कोई ऐसा एक कदम हम उठा लेते हैं जो हमारी जिंदगी को यहाँ पे पूरी तरह से बदल के रख देता है। और सिर्फ हमारी ही जिंदगी को नहीं, वो हमारे साथ में जितने भी लोग एसोसिएटेड होते हैं, मतलब हमारे घर परिवार के लोग, भाई बहन माता पिता जितने भी लोग होते हैं, उन सभी को वो एक ऐसा जख्म देके जाती है, वो भूल ऐसा दर्द देके जाती है जो कभी भी वो लोग अपनी जिंदगी से भुला नहीं पाते। मतलब आज का जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिनसे जाने अनजाने में एक ऐसी भूल हो गई, एक ऐसी गलती हो गई जिसके चलते उनके परिवार वालों को ऐसा हर्जाना भुगतना पड़ा और एक ऐसा सदमा उनके परिवार वालों को मिला जो कभी भूल नहीं सकते। मतलब जब तक भी वो लोग रहेंगे इस दुनिया में वो हमेशा उस इंसिडेंट को याद करेंगे, एक ऐसा जख्म उनको मिल चुका था। तो आज की जो कहानी है वो रोहित के बारे में है, और ये कहानी जो है ये 2010 के अंदर हुई थी, ये घटना जो है 2010 के अंदर हुई थी और ये रोहित के साथ हुई थी। रोहित यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और वो हमेशा ही पढ़ना लिखना चाहते थे, एक अच्छी जॉब पाना चाहते थे, क्योंकि वो यहाँ पर जो थे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो सोचते थे कि अगर मेरे पास अच्छी जॉब होगी तो अपने माँ बाप को भी मैं अच्छी तरीके से रख पाऊंगा एंड इसी के साथ साथ अपने सारे अरमानों को भी मैं पूरा कर सकूंगा। रोहित की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, 25 साल की उम्र की उम्र थी और उसके अंदर ही उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे अचीव अपनी जिंदगी के अंदर कर लिया था। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 25 साल की उम्र के अंदर ही 2-3 जॉब्स उन्होंने यहाँ पे स्विच कर ली थी, इतना कुछ वो अपनी जिंदगी के अंदर कर चुके थे एंड काफी अच्छा वो कमा रहे थे। एक खुशखबरी उनको मिलती है 2010 के अंदर कि अब जो है उनकी यहाँ पे सरकारी नौकरी लग चुकी है, एक हॉस्पिटल के अंदर उनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, घर परिवार वाले भी खुश रहते हैं कि भाई लड़के की सरकारी नौकरी लग चुकी है, एक मोहल्ले में अलग ही रुतबा होगा। और गांव से वो लोग आते थे तो भाई बहुत ज्यादा वो खुश हो जाते हैं कि लड़का हमारा जो है अब जिंदगी में सेटल हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। रोहित के परिवार के अंदर कुल मिलाकर के 4 लोग थे, एक रोहित, एक उनका छोटा भाई और माता पिता। तो जो उनके छोटे भाई हैं उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ यहाँ पे शेयर करी है। तो ये 4 लोग बेसिकली यहाँ पे रहा करते थे। रोहित की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, उनका छोटा भाई उनसे 5 साल छोटा था, वो 20 साल का था उस वक्त पे और वो अपनी पढ़ाई यहाँ पे पूरी कर रहा था। रोहित की जॉब लग जाती है और रोहित की जॉब यहाँ पे यूपी में एक बड़े शहर के अंदर लखनऊ के अंदर लग जाती है। तो रोहित ने यहाँ पे सोचा कि मेरी यहाँ पे जॉब लग चुकी है तो इसी के चलते मैं यहाँ पे कार ले लेता हूँ। वो किश्तों पे यहाँ पे कार उठा लेते हैं और सोचते हैं कि किश्त भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, आराम से ही महीने की मैं किश्त यहाँ पे भरता रहूंगा, अच्छी गाड़ी भी हो जाएगी, घर परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। और वो शौकीन इंसान भी थे। लेकिन रोहित की सबसे ज्यादा कमाल की बात एक ये थी कि वो जिस तरीके के दिखते थे ना वो वैसे थे नहीं। मतलब वो एक अय्याश किस्म के इंसान थे, सिगरेट शराब जुआ लड़कीबाजी ये सारे ऐप उनके अंदर थे, लेकिन घर परिवार वालों को इसके बारे में कानों कान खबर नहीं थी। इसी के साथ साथ मोहल्ले के जितने भी लोग थे उनको भी इसके बारे में खबर नहीं थी कि रोहित जो है यहाँ पे बिगड़े हुए इंसान है, क्योंकि रोहित को देखने का नजरिया कुछ इस तरीके का था मोहल्ले वालों का कि वो इस तरीके से अपने आप को पेश करते थे कि वो काफी ज्यादा पढ़ाकू है, पढ़ाकू थे भी और वो लाइफ में कुछ अचीव भी कर चुके थे, तो घर वालों को भी शक नहीं होता था और इसी के साथ में मोहल्ले वालों को भी यहाँ पे कोई शक होता नहीं था। रोहित ने गाड़ी ले ली थी, उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि भाई अब तुम शादी कर लो, हम तुम्हारी लड़की देख लेते हैं, 25 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम चाहो तो यहाँ पे शादी कर सकते हो। रोहित ने यह बोल दिया कि मैं यहाँ पे अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी ना करने का रीजन उन्होंने ये बोला कि अभी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता का एक घर हो। उनके पास में कोई अपना घर नहीं था, किराए के वो लोग घर पे रहते थे, लेकिन कमाल की बात है ना, किराए के घर पे रहने के बावजूद भी रोहित ने कार ले ली थी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि रोहित एक अय्याश किस्म के इंसान थे, पहले वो अपने शौक मुझ पूरा करना चाहते थे, उसके बाद में वो सोचते थे कि कुछ और हो। तो वो अपने माँ बाप को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहका रहे थे, उनके माँ बाप समझते थे चलो कोई बात नहीं, लड़का अपने शौक मौज यहाँ पे पूरे कर रहा है उसको करने दो। कहानी ऐसे ही बढ़ती चली जाती और शायद से रोहित अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर भी लेते अगर एक हादसा उनकी जिंदगी के अंदर नहीं होता। वो काली अमावस की रात उनके सामने नहीं आती, वो रात उनके सामने यहाँ पर नहीं आती तो शायद वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते। बात यहाँ पर यह है कि दिवाली थी 2010 की और आप सभी को मालूम होगा कि दिवाली की जो रात होती है, दिवाली का जो अमावस की रात होती है, वो साल की सबसे ज्यादा काली रात होती है। और ये बात जो है आप सर्च भी कर सकते हैं और सभी को लगभग ये चीज मालूम ही है कि जो दिवाली की रात होती है वो अमावस की सबसे काली रात होती है। एंड इसी के चलते लोग जो है दिए वगैरह और मोमबत्ती को भी जलाते हैं, सिर्फ एक इसलिए नहीं कि वो त्योहार है, इसी के साथ साथ जो है डार्कनेस को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते लोग जो है इधर दिए जलाते हैं।
तो दिवाली के वक्त था और हॉस्पिटल में उनकी जॉब लगी हुई थी, तो उस दिन भी उनको काम पे जाना ही था, वो गए हुए थे। उनकी माँ ने उनको कॉल करी रात के कुछ यहाँ पे 10 बजे और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ पे हो, तुम अभी तक घर पे क्यों नहीं आए। और रोहित जो थे इधर अपने दोस्तों के साथ में घूम फिर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तो उन्होंने एक झूठ बोल दिया कि मेरे को तो यहाँ पे हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है एंड मुझे तो यहाँ पे ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो मैं तो यहाँ पर लेट ही आऊंगा। वो अपने दोस्तों के साथ में ही थे और यहाँ पे शराब वगैरह वो पी रहे थे, शराब वगैरह का वो सेवन यहाँ पे कर रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को झूठ बोल दिया, माँ ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं। रात के 1 बज गए, रोहित नहीं आए। 1:30 बजे वो अपने दोस्त के घर से यहाँ से निकलते हैं और सोचते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर मैं वापस अपनी माँ के पास में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जिस रास्ते से रोहित हमेशा अपने घर जाते थे वो एक हाईवे पड़ता था, तो ये कमाल की बात थी कि उनको हाईवे से होते हुए जाना होता था। और उस रात को उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, वो हाईवे पे यहाँ पे जा ही रहे थे कि एक चौराहा आता है जहां पर वो रुक जाते हैं। अचानक से वो ब्रेक मारते हैं और वो रुक जाते हैं और उधर जो था वो हाईवे खत्म भी हो जाता है, मतलब अब वो अपने शहर में यहाँ पे एंटर करने वाले होते हैं कि उस चौराहे पे जहां से वो डेली अप एंड डाउन किया करते थे वो रुक जाते हैं। अचानक से रुकते ही वो साइड में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है। और कमाल की बात ये थी कि उस लड़की ने कोई यहाँ पे लाल कलर का जोड़ा नहीं पहना था या सफेद साड़ी नहीं पहनी थी। अक्सर हम देखते हैं कि इधर जो हॉरर स्टोरीज होती हैं उसके अंदर लाल कलर का या फिर सफेद साड़ी का बहुत जिक्र होता है, ऐसा कुछ नहीं था। उस लड़की ने यहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और नए कपड़े उस लड़की ने यहाँ पे पहन रखे थे। और कमाल की बात ये होती है कि भाई जो दिवाली की रात होती है उस दिन लोग अक्सर यहाँ पे नए कपड़े पहनते हैं, तो उस लड़की ने नए कपड़े पहन रखे थे, सलवार सूट में थी वो और रंग बिरंगे उसने कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही सुंदर वो लड़की थी। रोहित ने उस लड़की को देखा, लड़की ने रोहित को देखा, कुछ 1 से 1.5 मिनट तक वो एक दूसरे को देखते रहे। इतने में पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है, रोहित का एकदम से ध्यान भटकता है कि ये क्या हुआ, तो देखते हैं कि पीछे से ट्रक आ रहा है और उन्होंने गाड़ी जो है यहाँ पे चौराहे पे रोक रखी है। तो वो वापस एकदम से उस लड़की की तरफ देखते हैं मुड़ करके, लेकिन लड़की वहां पर नहीं थी, लड़की वहां से जा चुकी थी, शायद वो उस बिल्डिंग के अंदर चली गई होगी, वो शायद से उसका घर होगा। बिल्डिंग ठीक ठाक सी थी, ऐसी नहीं थी कि बहुत पुरानी वो बिल्डिंग हो, रोज का उनका आना जाना था, तो उन्होंने इस तरीके की बिल्डिंग्स देख रखी थी और उस शहर के अंदर जहाँ पे वो रहते थे वो वहां से शुरू ही हो जाता है, मतलब उस बिल्डिंग से ही उस शहर की शुरुआत हो जाती है। तो वो देखा करते थे उस बिल्डिंग को भी अक्सर, पर कभी अंदर जाकर के नहीं देखा कि उसके अंदर कौन रहता है कौन नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर उनको एक चीज अजीब लगी कि इतनी रात गए ये लड़की अकेले बाहर कर क्या रही थी। चलो उनको तो अपनी बात समझ में आती है कि उन्होंने तो यहाँ पे पार्टी वार्टी करी, मौज मस्ती करी और वो तो लेट आ रहे हैं, लेकिन ये लड़की यहाँ पर क्यों खड़ी हुई थी। उन्होंने थोड़ा बहुत इसको सोचा, इसके बारे में सोचा हल्का फुल्का उन्होंने, बट इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसी खड़ी होगी शायद दोस्तों के साथ, वो भी अपनी पार्टी वगैरह कर रही होगी, जो भी बात हो सकती है। वो अपने घर पे आ गए, उस लड़की के ख्वाब भी उनको आने लग गए, उसका जिक्र वो अपने मन ही मन में करने लगे, बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। उन्होंने सोचा कि शायद दोबारा कभी उससे मुलाकात हो पाएगी क्या, मुलाकात हो पाई तो मैं शायद उससे बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा उससे मैं। तो उन्होंने वापस उससे बात करने के बारे में सोची, घर तो उनको मालूम था कि उधर वो लड़की उनको दिखाई देती है। उस घर के आसपास जो थे ना भाई, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे और एक बहुत बड़ा यहाँ पे बरगद का पेड़ था, तो वो बरगद का पेड़ भी था साथ ही साथ में वो घर था और उस घर के बाहर वो लड़की खड़ी हुई थी। अगले दिन जब वो सुबह ऑफिस जा रहे थे उन्होंने एक नजर मार के देखा, बिल्डिंग में कोई उनको नजर नहीं आया, आसपास भी उनको वो लड़की नजर नहीं आई। आती बार जब उन्होंने देखा तो वो वहां पर उसकी बिल्डिंग के बाहर में रुके, कुछ 15 मिनट इंतजार किया, लड़की अभी भी नजर नहीं आई। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे सोचा उन्होंने कि शायद से भाई मेरे से बात नहीं करना चाहती है या उसने देखा नहीं होगा, लेकिन वो लड़की उनको लगातार देख रही थी, वो उस पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और चुपके से उनको देख रही थी। रोहित को इसका अंदाजा नहीं था, रोहित वापस चले जाते हैं, सोचते हैं एक बार और मैं कोशिश करता हूं कि शायद वो मुझे दिख जाए। अगली रात जब वो वापस से ऑफिस से आ रहे होते हैं तो वो वापस से उनकी बिल्डिंग के बाहर रुकते हैं और बिल्डिंग की तरफ देख रहे होते हैं, लड़की पेड़ के पीछे से निकलती है और वो रोहित को देखती है, रोहित लड़की को देखता है और रोहित उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। लड़की भी रोहित से बात करना चाहती ही थी तो वो लड़की भी उनसे बात करना शुरू कर देती है, ऐसी ही नॉर्मल सी फॉर्मल हाय हेलो उनके बीच में होती है। उसका नाम पूछते हैं रोहित, वो रोहित को अपना नाम बताती है और रोहित बताते हैं कि वो क्या करते हैं हॉस्पिटल में, किस तरीके से उनकी जॉब चल रही है, गवर्नमेंट जॉब है। रोहित उस लड़की को बेसिकली यहाँ पे इम्प्रेस करना चाहते थे एंड कमाल की बात ये थी कि इस बार रोहित जो थे उसके प्यार में पड़ चुके थे, वो उसको कोई झूठे वादे नहीं करना चाहते थे, सोचते थे कि काश इससे मेरी शादी हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा, इतनी खूबसूरत लड़की अगर मेरी बीवी बन जाएगी तो
बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगले दिन से ऐसे ही मुलाकातों का सिलसिला चलना शुरू हो गया। रोज उनकी बातें होनी शुरू हो गई। रोज रोहित अपने घर को आने को लेट होने लग गए। जो रोहित रात में 11 बजे तक या 10 साढ़े 10 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करते थे, अब वो रात के 12:30 से लेके 1 बजे अपने घर पहुंचा करते थे। घर वालों ने फोन करके पूछा कि भाई तुम लेट क्यों होते हो, वही बहाना कि काम ज्यादा है तो आ नहीं सकता हूँ। घर वाले विश्वास करते ही थे, लेकिन रोहित तो भाई उस लड़की से बात किया करते थे और वो उसके घर के अंदर जाकर के नहीं उस पेड़ के नीचे ही बात किया करते थे, बैठ करके उससे बातें किया करते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे उसके साथ में। एक रात की बात है, रोहित के जो पड़ोसी थे वो उसी जगह से गुजर रहे थे, उस चौराहे से वो गुजर रहे थे। वो देखते हैं कि रोहित अकेले में कुछ फुसफुसा रहा है, कुछ बोल रहा है, कभी हंस रहा है, कभी एक हाथ से जैसे किसी को ताली मार रहा है, जैसे हम ताली मारते हैं, तो कभी हंस रहा है, कभी किसी की बात को बहुत गौर से सुन रहा है, गर्दन को हिला रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी को सुनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन अंकल को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, रोहित के पड़ोसी को यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो रोहित के पास जाते हैं, पूछते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। कह रहा है, बेटा देखो मैं समझ सकता हूँ कि काम का प्रेशर हो सकता है तुम पे, तुम्हारे माता पिता ने भी बताया कि तुम यहाँ पे जो है ओवर टाइम कर रहे हो, तो ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं ब्रेक ब्रेक की जरूरत तो नहीं है? कह रहा, नहीं अंकल मैं तो बस यहाँ पे सुस्ताने के लिए बैठा हुआ था, और ये मिलिए ये लड़की है, इसका नाम है रोशनी, ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। वो कहते हैं, कौन रोशनी, किस रोशनी की बात कर रहे हो तुम? कह रहा, ये बैठी तो है, आपको दिख नहीं रही है, इतनी बड़ी लड़की आपके सामने बैठी हुई है। क्या बेटा, यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, तुम्हें शायद से यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी है, इतना ज्यादा तुम काम मत किया करो और तुम अभी चुपचाप अपने घर चले जाओ। रोहित को लगता है ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, घड़ी में टाइम देखते हैं तो 12:30 बज चुके थे, तो वो उठते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपने घर चले जाते हैं। उनको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि आखिर उनके अंकल को यहाँ पे रोशनी दिखाई क्यों नहीं थी। अगले दिन वो दोबारा से रोशनी से मिलने के लिए जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं, तो वो पूछते हैं उससे कि वो अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुम यहाँ पर नहीं हो। तो रोशनी ने कहा कि वो इंसान जो है बूढ़े हैं, उन्होंने अपना चश्मा वगैरह भी नहीं लगाया होगा तो ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, मैं तो तुम्हारे साथ में बैठी थी, और इस उम्र में 60 साल की उम्र के अंदर होता ही है कि इंसान की आंखें वीक हो जाती है, तो उनको दिखाई नहीं दिया होगा। रोहित को भी लगा कि झूठ तो ये नहीं बोलेगी, और सच में उन्होंने यहाँ पे चश्मा अपना पहन भी नहीं रखा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई रात के अंधेरे में शायद उनको ना दिखाई दिया हो, या फिर वो शायद मेरे से मजाक कर रहे हो, कुछ भी बात हो सकती है। रोहित कभी भी रोशनी पर शक नहीं कर सकता था, उसको रोशनी बहुत अच्छी लगने लग गई थी। उसने यहां तक रोशनी को यह भी कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चाहो तो तुम मुझे अपने माँ बाप से मिलवा दो। जब रोहित ने ये बात बोली कि तुम मुझे अपने माँ बाप से मिलवा दो, रोशनी ने कहा, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, बस तुम एक मेरे साथी हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर गृहस्थी बसाऊं, तो मैं उसमें भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोहित यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं, रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने घर जाते हैं और अपने घर पे जाके अपने माता पिता को सब कुछ बता देते हैं। माता पिता कहते हैं, भाई फोटो दिखा दो, लड़की की जो फोटो है, तुम्हें जो ठीक लगे बेटा वो कर लो। उनके पास में कोई फोटो नहीं होती है उस लड़की की। वो कहते हैं, ठीक है कोई फोटो वोटो नहीं है तो कभी मिलवा ही दो। तो कहते हैं, हाँ मैं आपको एक दो दिन में यहाँ पे उस लड़की से मिलवा दूंगा। कमाल की बात यह होती है कि उसके माँ बाप अगले दिन अपने पड़ोसी के पास यहाँ पे जाते हैं और बताते हैं कि जो हमारा लड़का है उसकी यहाँ पे शादी होने वाली है। वो कहते हैं कि किससे शादी होने वाली है, तो उन्होंने बताया कि रोशनी नाम की लड़की है जिससे वो लड़का यहाँ पे शादी करने वाला है। तो उन अंकल को उस लड़की का नाम तो नहीं पता था, लेकिन उनको यहाँ पे शक जरूर हुआ कि शायद ये वही लड़की है। तो उन्होंने सारी की सारी बात यहाँ पे सच सच बता दी कि आपका लड़का जो है अकेले में ही हंसता है और मुझे लगता है शायद से यहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया है, एक बार आप जो है किसी पंडित को यहाँ पे बुला लीजिए या अपने लड़के से ही बात कीजिए। तो उसके माँ बाप को लगता है कि वो लड़का तो शायद इन सब चीजों में मानेगा नहीं, तो वो सोचते हैं कि पंडित जी को बुला करके बात कर ली जाए। वो पंडित जी के पास जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उस घर के अंदर रोशनी आ जाती है, और रोशनी आकर के बहुत तेज आवाज के अंदर और बहुत ही भयानक रूप लेते हुए ये बात बोलती है तीनों घर के सदस्यों को कि उस लड़के को अकेला छोड़ दो, अगर तुम लोग हमारे रास्ते में आए तो तुम सब लोग मारे जाओगे, पूरा का पूरा खानदान तबाह हो जाएगा अगर हम दोनों के बीच में आने की जरूरत भी की तो। घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रोशनी ये बात बोलती है कि रोहित तो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, तुम में से जिसमें भी दम हो रोक के दिखा लो, रोक नहीं पाओगे, और अगर हमारे बीच में आओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
घर वाले यहाँ पे सहम जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास में कोई चारा नहीं है, उनका एक बेटा शायद से इस दुनिया से चला जाएगा, और वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। जो उनके पड़ोसी होते हैं वो सोचते हैं कि एक बार हम यहाँ पर पंडित जी से बात कर ही लेते हैं। वो जब हमें पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी उस चुड़ैल की खोल करके रख देते हैं। वो कहते हैं कि रोशनी नाम की चुड़ैल है, ये टोटके के अंदर बंद थी, और दिवाली की रात में उस चौराहे पर किसी ने वो टोटका रखा हुआ था। आपका लड़का जब गाड़ी चला रहा होगा तो अचानक से वो टोटका जो होगा उस पहिए के नीचे आ गया होगा, और जिसके चलते इस टोटके में से ये आत्मा आजाद हो गई। और जब ये आत्मा आजाद हुई तो इसने सबसे पहले रोहित को देखा, और ये रोहित पे मोहित हो चुकी है। इसी के साथ साथ रोहित भी इस पे मोहित है, तो अब ये रोहित को इस दुनिया से लेकर के जाएगी। और ये बहुत ही भयानक आत्मा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और कमाल की बात यह है कि ये अमावस की रात में ही रोहित को अपने साथ लेकर के जाएगी, और आज अमावस की रात ही थी। उन्होंने घर में देखा, आसपास देखा, रोहित कहीं नहीं। उन्होंने कॉल की, रोहित कॉल नहीं उठा रहा था। अब वो अपने पड़ोसी के साथ में उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर रोहित पेड़ के पास में बैठ करके बात किया करता था। उन्होंने रोहित को देखा, बहुत तेज वो लोग चिल्लाए, रोहित रोहित। रोहित सुनने का नाम नहीं ले रहा था। रोहित तो जैसे एक अलग ही दुनिया में था, उसे मालूम ही नहीं था कि सच क्या है झूठ क्या है। उसको तो अभी भी रोशनी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। पंडित जी ने भी कोशिश करी कि मंत्र वंत्रों से किसी भी तरीके से यहाँ पर उस रोशनी को बांध दिया जाए, उस लड़की को यहाँ पे बांध दिया जाए, लेकिन वो यहाँ पे बंधने का नाम नहीं ले रही थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। इतने में ही घर वाले देखते हैं कि जो रोहित है वो चलते हुए बीच रोड पर आ चुका है, और एक ट्रक आकर के रोहित को कुचल देता है, और इसी के साथ में रोहित की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसी वक्त रोहित अपनी जान से हाथ धो बैठता है, और जो रोशनी ने कहा था, जो वो उस चुड़ैल ने कहा था, वो कर देती है। वो रोहित को अपने साथ लेकर के चली जाती है। सारी की सारी ताकतें यहाँ पे नाकाम हो जाती हैं, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं आ पाता। एक महीने के अंदर अंदर ही वो रोहित को मार डालती है। तो ये कुछ इंसिडेंट था जो रोहित के साथ में हुआ था। जाने अनजाने में अपनी गाड़ी से ही उसने उस टोटके को आजाद कर दिया। वो टोटका उसकी गाड़ी के पहिए के नीचे आया, और वो आजाद हो गया। आपने सुना भी होगा कि घर परिवार में भी कई लोग ये बात बोलते हैं कि होली के वक्त पे, दिवाली के वक्त पे चौराहे से बच के चलो, या चौराहे पे अगर टोटका भी रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उसको छुओ मत, या फिर उसके साथ में खेलो कूदो नहीं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। क्या पता किस टोटके में क्या बंद हो जिससे आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। तो ये सदमा जो था, ये हकीकत जो थी, ये रोहित के परिवार के साथ में घटी, और उसने पूरा का पूरा सिनेरियो बदल करके रख दिया। आज भी रोहित के परिवार वाले रोहित को नहीं भुला पा रहे हैं। एक सदस्य उनके परिवार में से हमेशा हमेशा के लिए कम हो गया। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो रोहित के साथ में हुआ था। काफी अजीब सा इंसिडेंट था, बट ये रियल इंसिडेंट है जो रोहित के साथ में हुआ। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल हॉरर क्रीपी इंसिडेंट हो, तो आप मेरी जीमेल आईडी पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वो जीमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इधर ड्रॉप कर दूंगा। दोनों में से जिस पर भी जाकर के आप चाहें तो अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।